अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा ब्राजील और भारत की नबातात और हैवानात की किस्में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे ब्राजील की जमीनी साख्त और पाए यहां पर पाए जाने वाले नबातात और हैवानात। ब्राजील की जमीनी साख्त को चार हिस्सों में तकसीम किया गया है, बांटा गया है। पहला है ब्राजील की बुलंद जमीन, दूसरा है पैराग्वे की या फिर पिराना की वादी, तीसरा है अमेज़न की वादी, चौथा है गयाना की बुलंद जमीन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ब्राजील की बुलंद जमीन का पताला करेंगे। यह इलाका ब्राजील के जनूब में वाकई है, साहिल समंदर से सटा हुआ इलाका है जिसकी औसत बुलंदी 1000 से 2000 मिलीमीटर है। यहां सालाना 600 मिलीमीटर बारिश होती है। यहां का दर्ज हरारत 23 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां मुंतकए मोतदल के जंगलात दिखाई देते हैं और यहां पर घास में पाए जाने वाले जानवर और रेंगने वाले जानवर जैसे ऑटर, कैपिबारा, हिरन, तापीर वगैरह देखने। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पैराग्वे पिराना दरिया की वादी के इलाके को देखेंगे। इसकी औसत बुलंदी 500 मीटर, यहां दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस है। यहां पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। यहां औसत बारिश 1500 मिलीमीटर होती है। यहां घास के खित्तों के जानवर पाए जाते हैं। अब हम ब्राजील के तीसरे जमीनी हिस्से की जानिब जाते हैं। ये अमेज़न की वादी कहलाती है। इस यहां औसत बारिश 2000 मिलीमीटर होती है जिसकी वजह से यहाँ इस्तवाई जंगलात पाए जाते हैं। यहाँ रेंगने वाले मसलन सांप और दरख्तों पर रहने वाले जानवर बंदर वगैरह पाए। प्यारे बच्चों, अब हम आखिरी हिस्से यानी गयाना की बुलंद जमीन का मुताला करेंगे। इसकी औसत बुलंदी 1600 मीटर है। यह इलाका ब्राजील के शुमाल में वाके है। यहां मुंतकए हारा के जंगलात पाए जाते हैं। यहां मुख्तलिफ किस्म के बंदर पाए जाते हैं।